सब तुमने ही तो दिया है। और किस्मत इतनी चाहत, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब किसी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए किया था। मुझे मोहब्बत सिर्फ एक ही बार हो सकती है। और वो किससे हुई है? मेरा नाम मत लेना। बताई नहीं चाहती। पता चल जाती है, दिखाई नहीं जाती, दिख जाती है। जताई भी नहीं जाती, महसूस हो जाती है। लेकिन मुझे तो ना मोहब्बत दिखाई थी ना सुनाई थी और ना ही महसूस हुई। कुछ देर साथ चलो, एक पल तुम्हें ऐसा आएगा जब तुम्हें भी एहसास होगा, चाहतों की सब कुछ महसूस होगा। नजर मत लगा देना मेरी भाभी को। इसको कहां लगेगी नजर, इसको तो कोई भूत भी देखे तो डर के कान पकड़ ले। अच्छा खासा दोनों प्यार से डिनर कर रहे हैं, तुम क्यों खाने में हड्डी बन रही हो? काश मैं कोई हड्डी होती जो मीरब के गले में अटक जाती, ना निकली जाती ना उगली जाती। तौबा हया, इतना जहर। ये नागिन मेरी मोहब्बत को डस गई, मेरे अंदर जहर ना हो तो गुलकंद हो। सारे तमाम करूं मैं, किचन में पसीना पसीना हूं मैं, और रोमांटिक डिनर करे ये हया। क्या हया, बाहर में गई हया, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मुर्तजिम को भी नहीं। जो कुछ कर लो इसके लिए कुचल देगा मुझे। दिल को मजबूत कर लो और इस दिल से
मुर्तसिम भाई को निकाल दो। दिल वीरान हो जाएगा अगर इसको दिल से निकाल दिया। एक बार वीरान होने तो दो, कोई और आके आबाद कर देगा। मरियम दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दी। तो क्या है तुम्हारा दिल? किला, जिसको एक बार किसी ने फतह कर लिया तो ता कयामत उसी के नाम रहेगा, कभी किसी और के नाम नहीं हो सकता। अब कहां जा रही हो? कहीं नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अल्लाह करे लाइट चली जाए। नॉट बैड। तुम्हारी हया ने खाना अच्छा बनाया। I'm sure. तो तुम मानते हो कि वो तुम्हारी है? अगर तुमने मान लिया है तो मैं भी मान लेता हूं। मुझे जरा नहीं पसंद उसकी नजर तुम्हारे लिए। जब देखो तुम्हारे पीछे 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 बहुत चिढ़ाने की कोशिश करती है मुझे, क्योंकि मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता। बंदा पूछे कोई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और तुम भी बहुत लिफ्ट देते हो उसे। मीरा, जो भी कहूंगा बहुत दिल से और बिल्कुल सच कहूंगा। मेरे दिल में हया के लिए कभी कुछ नहीं था, ना है और ना ही होगा। अगर मेरी शादी तुमसे ना भी होती तब भी उससे शादी पॉसिबल नहीं थी। प्लीज अब इस बात को लेके कोई और बहस मत करना। I just feel bad for her. जिस तरह वो मेरे पीछे खुद को ख्वार करती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। इसी वजह से कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ, और बात भी किया, उसकी बातों का हल्का फुल्का जवाब दे देता हूँ। That's it. वो भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा मत करो जिससे उससे कोई झूठी उम्मीद हो। सब कुछ बंद कर दो कि तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी। मेरी सारी उम्मीद तो बस एक ही से है, जिससे फ्रॉम माय ऑफिशियली वेडेड वाइफ। तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? क्यों, क्या हुआ? गुस्से में भी एक अजीब सा सुकून है तुम्हारे चेहरे पर। इन आंखों में सिर्फ सिर्फ मोहब्बत है।
इंटरेस्टिंग। अब ये भी क्या तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? नॉट एट ऑल, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो इस मोमेंट को भी स्पेशल बनाते हैं। मुझे इस तरह लाइट जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्रस्ट मी, अच्छा लगने लगेगा। फैलाए हुए हाथ को खाली नहीं जाने देते हैं। मोहब्बत ना से तसल्ली दे दो। तसल्ली से क्या होगा? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, हाँ मेरी ये रात यादगार जरूर हो जाएगी।
मुर्तसिम, अब ये क्या है? तुम्हारी बदौलत। मेरी बदौलत? I just hate winters. तो तुम्हें किसने कहा था बाहर खड़े रहो? तुम जो खड़ी हुई थी वहां पे। तो मुझे कोई खा थोड़ी रहा था। बीवी हो मेरी, जिम्मेदारी हो। क्या किया जाए तुम्हारा, अब कैसे ठीक होगे? ये लो एक कप जुशांदा बना दो प्लीज। क्या जुशांदा? मुर्तसिम, एक तो इस वक्त मैं बिल्कुल भी किचन में जाकर जुशांदा नहीं बना सकती, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चीज कहां रखी हुई है। आजे बाहर सर्दी थी, तुम और मुर्तसिम भी लॉन में थे, मुझे लगा इसकी जरूरत होगी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि इसको ठंड लगी हुई है? जिंदगी भर का साथ है, मुर्तसिम को कब किस चीज की जरूरत होती है मुझे पता है। वैसे तो ये चीजें बीवी को मालूम होनी चाहिए। मुझे मालूम है इसको किस चीज की जरूरत है। तुम जाओ, ये कप पकड़ो और जाओ यहां से। थैंक यू सो मच, आप तुमने शानदार बनाया, खाना बनाया, लेकिन अभी प्लीज यहां से चली जाओ प्लीज। देखा है तुमने, हर चीज पे नजर रखती है तुम्हारी। कम से कम उसे ये तो पता है कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए। बहुत प्यार आ रहा है अपनी हया पे। सही तो कह रही थी यार, बीवी को पता होना चाहिए कि शोहर को किस वक्त क्या चाहिए। लेकिन खैर, तुम तो मुझे शोहर मानती नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट इंसान तो समझो। जैसे मैं जल रही हूं, एक दिन तुम भी वैसे ही जलोगी। बिल्कुल ऐसे। मीरा,
निगाह जुशांदा। क्या ढूंढ रही हो? मुझे डरा दिया तुमने। किसने कहा था इस वक्त यहाँ आओ अकेले? शालदा भी तो बनाना है। वाह, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। फिक्र नहीं हो रही, अपनी इज्जत की फिक्र है मुझे। वरना माँ बेगम कहेंगी कि मेरे बेटे को जो शानदार नहीं बना के दिया, उसका ख्याल नहीं रखा। इसे बना लोगी? आसार तो नहीं लग रही थी दूर तक। तो ठीक है, जाओ जाके अपनी फेवरेट हया के हाथ का बना हुआ जो शानदार पी लो ना। मैं तो पी लू, लेकिन फिर तुम मेरा खून पी जाओ। अगर एक मिनट और खड़े रहे तो वाकई तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जाओ यहाँ से। हाँ वो बताओ, शहद या शक्कर? नथिंग, बस एक सिप ले लेना। तुझे जलानी है, जैसे जैसे ये जलती जाएगी वैसे वैसे मेरे मुअक्किल ये रब के पीछे लग जाएंगे और उसे इतना डराएंगे कि वो खुद ही डर के ये घर और मुर्तसिम को छोड़कर चली जाएगी। तुम हो तो बहुत फजूल मजाक। कौन है यहाँ?
निकलो यहाँ से, निकलो वरना मैं शोर मचाऊंगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। कौन है यहाँ? मैंने कहा कौन है? Yep. क्या हुआ? यहाँ कोई था? हाँ, यहाँ तुम हो? नहीं, मैं, मेरे अलावा कोई था, मैंने महसूस किया। कोई कौन ऊपर था, वहाँ शेडोज आ रहे थे, उधर भी था, किचन में भी। तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ यहाँ। वहम नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें बताया था ना पहले भी कि हवेली जरा कदीम है, तो जिन भूत होता है। राणा साहब, वो कोई वाली जमीन का क्या हुआ? मलिक साहब ने वहां से अपने बंदे हटा दिए। हटवा दी क्यों? अब वो जमीन मुर्तसिम खान की है, हमने अपना कब्जा वहां से छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता है राणा साहब? वो मेरी जमीन है, मेरा हक है। अभी इसी वक्त उस जमीन पर बल्ले बचाए, कोई फसल नहीं उगेगी वहां पर। बस बस, ठंड रख। लगता है जेल की हवा ने काफी गर्म कर दिया है तुम्हें। जिसकी वजह से मुझे जेल की हवा नसीब हो रही है ना बाबा, उसको तो मैं जेल भी ना नसीब होने दूं। क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी आपको उसको मेरी जमीन देने की? क्यों हटाए आपने मेरे बंदे? तुम्हारी खातिर अगर मुर्तसिम खान माफीनामे पे दस्तखत नहीं करता ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहता। तो पीसने देते मुझे, पीसने देते। लेकर अपने दुश्मन की भीख में दी हुई माफी नहीं मंजूर मुझे। अगर मुझे मंजूर है इसलिए कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, नहीं खोना चाहता मैं तुम्हें। मुर्तसिम खान ने तुम्हें जेल से रिहाई दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मुर्तसिम खान की दी हुई बख्शिश मुझे नहीं चाहिए। बस बस सुबेर मलिक, बस। तुमने उसकी बीवी को अगवा किया, उसने मुझे अपने घर आने दिया। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हाथ थाम लिया उसने। मैं इस दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदल सकता। भूल जाओ उन जमीनों को, आइंदा मोहतात रहना। जुबान दी है मैंने उसे, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए,
ना ही तुम्हारी तरफ से। राणा समझा इसे। राणा साहब मैं यहां पे नहीं रहूंगा। आप कहां जाओगे बेटा? शहर जाऊंगा मैं। देखो बेटा, जवानी के जोश में अक्सर किए गए फैसले गलत साबित होते हैं। जैसे तुम्हारे अब्बा कहते हैं वैसे करो, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हम सबके लिए भी। तब आप मुझे बताएंगे कि क्या रवैया होना चाहिए और क्या नहीं। अपने काम से काम रखें। फीना घर की सफाई तुम करती हो ना? जी बीबी जी मैं करती हूँ। क्यों क्या हुआ? ऊपर की मंजिल में कुछ देखा तुमने? क्या बीबी जी? ऐसे जैसे किसी के पाँव के निशान, जैसे कोई गुजर के गया हो। घर में कोई चीज गुम हुई है? नहीं बीबी जी कुछ भी गुम नहीं हुआ। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ गायब हुआ ना कोई निशान है। क्यों किसी को देखा क्या आपने? मुझे लगा जैसे कोई ऊपर चल रहा था। कौन बीबी जी? कोई नहीं, हो सकता है वहम हो। तुम अपना काम करो। फीना क्या कह रही थी मीरा? ऐसी बीबी जी अजीब बातें कर रही थी। फिर भी बताओ क्या बातें कर रही थी? बीबी जी वो कह रही थी कि रात को कोई आया था तो मैंने कहा कि कौन आया था, तो वो कह रही थी कि कोई, या फिर मेरा वहम था।